भरूच जिल्लाना जंबूसर तालुकाना बरोडा रोड अणखी पासे आवेला जैन स्कूल में झारोखा शीर्षक अंतर्गत वार्षिक उत्सव बरोडा जंबूसर रोड अणखी गाम पासे आवेला जैन स्कूल में अंग्रेजी गुजराती विभाग द्वारा विद्यार्थियों में रहेला सुसुप्त शक्तिओं ने बहार लावा ना एक भाग रूपे झारोखा कार्यक्रम आयोजन करवामां आव्युं। विद्यालय द्वारा शिक्षण संस्कार अने संस्कृतिना त्रिवेणी संगमनी एक विशिष्ट प्रस्तुतिना भाग रूपे विद्यार्थियों वर्ष दरमियान करेला स आभ्यासिक प्रवृत्तिना भागरूपे विविध प्रकारना सांस्कृतिक डांस प्राचीन दोहा गान गणित विज्ञान सामाजिक विज्ञान अने भाषा साहित्य ने लगता विविध प्रोजेक्ट की रजूआत करवामां आवी। विविध पात्रों द्वारा भारतीय संस्कृतिना गौरवगाथा ने प्रोत्साहन आपती प्रस्तुति विद्यार्थियों द्वारा रजू करवामां आवी हती। जैन शाळाना आचार्यना मार्गदर्शन हेठळ स्कूलना शिक्षक भाईओ बहनों द्वारा आगोतरा आयोजन द्वारा विद्यार्थियोंने प्रेरणा प्रोत्साहन आप्याना समाचार सांपड्या छे। रिपोर्टर रमेश परमार, बीएन न्यूज गुजराती, जंबूसर। नमस्कार, मैं नीलम पंडित जैन स्कूल जंबूसर की प्रिंसिपल बोल रही हूँ। एक्चुअली ये आज हमने जो प्रोग्राम रखा है ये एनुअल कल्मिनेशन मीट है। एक तरह का जो साल भर हम जो भी काम करते हैं यहाँ पर, जो भी जिस भी तरह से हम बच्चों को पढ़ाते हैं, एक्टिविटीज़ कराते हैं, कॉम्पिटिशन्स कराते हैं, ये एक उसका एक छोटा सा अंश हम आपको दिखा रहे हैं। इसीलिए इसका नाम हमने झरोखा रखा है, ताकि आप थोड़े थोड़े प्रोग्राम्स जो भी है आप देखें और आपको पता चले कि आपके बच्चे ने क्या क्या सीखा है। तो ये बेसिकली हमने दो भाग में बांटे हुए हैं। एक तो स्टेज प्रोग्राम है, तो जब हम पढ़ाते भी हैं तो बच्चों को बहुत सारे रोल प्ले करके पढ़ाते हैं, माइम्स यूज़ करते हैं, तो वो सारा कुछ उनके टेक्स्ट बुक से जो भी वो करिकुलम पढ़ते हैं उन्हीं में से लेकर हम लोगों ने प्रेजेंट किया हुआ है। एक तो हो गया स्टेज परफॉर्मेंस और दूसरा होता है एग्जीबिशन, यानी कि जो भी बच्चे हर सब्जेक्ट में जितने भी डिस्प्लेस वगैरह जो बच्चे बनाते हैं लर्निंग वाइल डूइंग करते करते जो सीखते हैं, ताकि उनका कंप्लीट हॉलिस्टिक डेवलपमेंट हो, इस प्रकार के लिए हम लोगों ने ये भी रखा था कि पेरेंट्स वो देखकर फिर वो क्लासरूम्स में जाए और जो भी बच्चों ने बनाया है, क्योंकि बच्चों का इसमें योगदान बहुत ज़्यादा है, ऑफकोर्स टीचर्स और पेरेंट्स का भी है, लेकिन तो पेरेंट्स जब अपने बच्चों को देखते हैं कि वो इतने अच्छे से बोल रहे हैं तो उनका कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ता है। और ये बहुत ज़रूरी है कि हमारे बच्चे सिर्फ लिखाई पढ़ाई में नहीं, अदर एक्टिविटीज़ में भी वो इतना कर सके कि कहीं भी वो अपना इंडिपेंडेंट हो सके। इसके अलावा हम लोगों ने यहाँ पर बहुत सारी नई चीज़ें भी शुरू की, जैसे नाइट आउट शुरू किया था, ताकि बच्चे यहाँ पर रहेंगे जब नाइट में एक साथ बहुत सारे प्रोग्राम्स हुए थे। यहाँ पर गेम्स रखा था हम लोगों ने टीम स्पिरिट के लिए, सोशल उनके स्किल्स के लिए। फिर हम लोगों ने यहाँ पर सर जानते हैं कि हम लोगों ने एग्रीकल्चर गार्डनिंग को लेकर भी हम लोगों ने यहाँ पर शुरुआत की थी, ताकि बच्चे लर्निंग वाइल डूइंग यानी करते करते वो सीखे, ये हमारा उद्देश्य है। क्योंकि हम चाहते हैं हमारे बच्चे दूसरे कहीं भी अलग दिखाई दे कि जैन स्कूल के बच्चे जो है डिस्टिंक्ट है, और हमारे यहाँ पर मॉरल वैल्यूज़ बहुत ज़रूरी है, इसीलिए प्रोग्राम सारा ही कल्चर और मॉरल वैल्यूज़ ट्रेडिशंस पर बेस्ड था। थैंक यू सो मच।